हेलो दोस्तों, मैं अजीत चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेस में। हम आज आपको बताएंगे रीजनिंग के पांच बेहतरीन प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, हम वही प्रश्न बताते हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट नंबर 40 है, ठीक है। इनमें के सभी पाँचों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या हमारे यहाँ पर दिया है, ठीक है, इसी को हमें ज्ञात करना है। देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बराबर 23 ब्रैकेट में 529 ब्रैकेट में 1024, ठीक है, और बी बराबर क्या दिया है, 21 ब्रैकेट में 441, ठीक है, और छोटे ब्रैकेट में 144, और सी बराबर क्या दिया है, 19 ब्रैकेट में 361 और कोष्ठक में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें इसी को ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या दिया है, 23, ठीक है, 23 का हम कुछ ऐसा करें कि 529 आ जाए, ठीक है, और जिस प्रकार हम 23 में कुछ ऐसा करें कि 529 आ जाए, उसी प्रकार हम इसका भी करेंगे 23 में कि हमारा 1024 आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 23 में हम क्या करें कि हमारा 529 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, अगर 23 का हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 का वर्ग कर देंगे तो हमारा 529 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा 23 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 529 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 23 का वर्ग कर दिया तो 529 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार क्या करेंगे, अब थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, इसमें एक इसमें ट्रिक लगेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीन और दो दिया ना, तीन और दो को उलट देते हैं, यानी कि तीन और दो को उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर हम तीन को आगे और दो को पीछे कर लेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा, ठीक है। और 32 का अगर वर्ग कर लेंगे हम, ठीक है, 32 का वर्ग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। वो कैसे, देखिए हमने 23 का वर्ग किया तो 529 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार हमने 23 को उलट दिया, यानी कि तीन को पहले कर दिया, दो को बाद में, ठीक है। तो फिर हमने 32 का वर्ग कर दिया तो हमारा क्या संख्या आ जाएगी, 1024 आ गई, ठीक है। अब उसी प्रकार बी वाले को भी ज्ञात करेंगे। देखिए क्या करेंगे, अगर हम 21 दिया है, ठीक है, 21 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 का वर्ग करेंगे तो 441 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें क्या किया है, ठीक है, अब एक को पहले करते हैं, दो को बाद में कर देते हैं, यानी कि संख्या को उलट देते हैं। देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, एक और दो हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा, 144। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 144, ठीक है। हमने इसमें भी क्या किया, 21 का वर्ग किया तो 441 प्राप्त हो गया, ठीक है, और 21 को उलट दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, 12 का वर्ग किया तो 144 हो गया, यानी कि ये वाली संख्या भी प्राप्त हो गई। उसी तरह से हम सी वाले को भी ज्ञात करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 19 दिया है ना, सी बराबर 19 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 का वर्ग करेंगे तो 361 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 361, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 9 और 1 यानी कि संख्या को उलट देंगे, क्या करेंगे, संख्या को उलट देंगे, 9 और 1 कर देंगे, 91 इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8281 आ जाएगा, ठीक है, 8281 आ जाएगा। कैसे, देखिए आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक है, 91 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 में 81 से गुणा करेंगे तो हमारी यही संख्या आएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8281, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, 23 का वर्ग किया तो 529 प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर हमने 23 को उलट दिया, यानी कि पहले 3 कर दिया, बाद में 2 किया तो 32 हो गया, 32 का वर्ग किया तो 1024 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हमने बी वाले में क्या किया, 21 का वर्ग किया तो 441 प्राप्त हो गया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, 21 को उलट दिया, यानी कि 1 को पहले कर दिया और 2 को बाद में, तो 12 का वर्ग कर दिए तो 144 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार हमने इसमें भी किया, 19 का वर्ग किया तो 361 आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, 19 का वर्ग किया तो 361 आ गया, और 19 को उलट दिए तो कितना हो गया, 91 हो गया। 91 का वर्ग किए तो कितना आ गया, 8281, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 8182, ठीक है, सॉरी 8281। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें क्या करना है, एक्स वाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 6, 16, 9, 13, 12, 10 एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई हमें ज्ञात करना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 6 इसमें कौन सी श्रृंखला चल रही है, देखिए एक एक श्रृंखलाएं को छोड़ देंगे, ठीक है। एक एक श्रृंखलाएं छोड़ के इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 6 और 9, 6 और 9 में क्या किया है, 6 में 3 ऐड कर दिया है तो क्या हो गया है, 9 हो गया है, ठीक है। और 9 में फिर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो देखिए दोस्तों यक्ष के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 15। हमने क्या किया, 6 में 3 जोड़ा तो 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ा तो 12 हो गया, 12 में 3 जोड़े तो 15 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह ऊपर वाली श्रृंखलाएं भी ज्ञात करेंगे। देखिए 16 दिया है, ठीक है, 16 और 13। देखिए क्या किया, इसमें से 3 माइनस कर दिया है, ठीक है। 16 में से 3 माइनस किया, 13 हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, 13 में से 3 और माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, 10 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम 10 में से माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, क्या बचेगा, 7। यानी कि यक्ष के स्थान पे क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। वाई के स्थान पे आ गया 7। देखिए कैसे आया, हमने क्या बताया, देखिए 16 में से 3 घटाया तो 13 आ गया, ठीक है। 13 में से 3 घटाया 10 आ गया, 10 में से 3 घटाया तो 7 आ गया। यानी कि 15 और 7 हमारी दो संख्या प्राप्त हो गई, एक्स के स्थान पे 15, वाई के स्थान पे 7। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों प्रश्न चिन्ह हमारा यहीं पर दिया है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 4, 6, 3, 5, 2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 4, 6, 4, 6 में क्या किया है, 4 में क्या किया है, 2, 2 ऐड कर दिया है, क्या किया है, 2 ऐड कर दिया तो 6 हो गया, ठीक है। और 6 में क्या किया है, 6 में 3 माइनस कर दिया है, ठीक है। पहले क्या किया, पहले 2 जोड़ा और 3 माइनस कर दिया है, फिर उसके बाद क्या करेगा, 3 में 2 फिर ऐड कर देगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या किया है, 5 में से माइनस 3 किया है तो हमारी संख्या कितने प्राप्त हो गई, 2। देखिए पहले क्या किया, 2 जोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद 3 माइनस कर दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर माइनस 3 कर दिया। अब क्या करेगा, या फिर 2 जोड़ेगा, यानी कि 2 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, पहले 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो गया, ठीक है, फिर 6 में से 3 माइनस किया तो 3 हो गया, ठीक है। फिर क्या किया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया, ठीक है, 5 से माइनस 3 किया 2 हो गया, ठीक है। तो फिर अब 2 में हमने 2 जोड़ा तो क्या हो गया, 4 हो गया। देखिए 4 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इसी को हमें ज्ञात करना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 25 दिया है, 50 दिया है, 30 दिया है, 45 दिया है, 35 दिया है, 40 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें एक श्रृंखलाएँ चल रही हैं, ठीक है, इसमें श्रृंखलाएँ चल रही हैं, ठीक है। इस श्रृंखलाएँ कैसे ज्ञात करेंगे, एक 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 संख्या छोड़ के, ठीक है, इसे ठीक है, इसे छोड़ देंगे इसे ले लेंगे, इसे छोड़ देंगे इसे ले लेंगे, इसे छोड़ देंगे इसे ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, देखिए 25, ठीक है, 25 और 30, ठीक है। 25 में क्या किया, 25 में 5 ऐड कर दिया है तो क्या हो गया है, ठीक है, 25 में 5 ऐड किया है तो क्या हो गया है, 30 हो गया है, ठीक है, 30 हो गया है। उसी प्रकार 30 में हम 5 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखिए क्या किया है, 25 में 5 ऐड किया तो 30 हो गया, 30 में 5 ऐड किया, ठीक है, 30 में 5 ऐड किया तो 35 हो गया। अब 35 में 5 और ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारी संख्या आ गई। देखिए ऊपर वाले में क्या किया है कि 50 दिया और 45 दिया है तो क्या किया है, 50 45, यानी कि -5 कर दिया है, -5 किया तो यहाँ पर 45 आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अब 40 में क्या करेंगे,
देखिए -5 कर दिया है 45 में से, तुम्हारी क्या संख्या प्राप्त हो गई, 40 प्राप्त हो गई। ठीक है, तुम्हारा क्या क्वेश्चन मार्क स्थान पे क्या आया, 40। देखिए क्या किया, 25 में 5 जोड़ा 30 हो गया, ठीक है, 30 में 5 जोड़ा तो 35 हो गया, 35 में 5 जोड़ा तो 40 आ गया, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों हमसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, दिए गए प्रश्न में खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए खाली संख्या हमारे यहीं पर है, ठीक है, इसी को हमें ज्ञात करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, 1, 4, 13, 40, 121 और खाली स्थान, ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक दिया है, चार दिया है, ठीक है, एक काम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर चार आ जाए, ठीक है, चार का कुछ ऐसा करें कि 3 आ जाए, सॉरी 13 आ जाए, और 13 का कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर 40 आ जाए, और 40 का कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर 121 आ जाए, और जो इन सब में करेंगे वही 121 में करेंगे तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 1 × 3 कर देते हैं और +1, ठीक है, और बराबर देखिए क्या आ जाएगा, देखिए 3 × 1 = 3 हो जाएगा और 1 जोड़ दिए तो 4 हो गया। देखिए दोस्तों ये 3, ये प्रोसेस जो 3 + 1 की है सब में अपनाएंगे तो हमारी संख्या प्राप्त होंगी, अगर नहीं प्राप्त होंगी तो ये प्रोसेस गलत हो गया। तो देखिए दोस्तों क्या करें, पहला प्रोसेस तो सही हुआ, ठीक है, दूसरा प्रोसेस अपनाते हैं। देखिए 4 × 3 करेंगे और +1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 13 यहाँ पर आ गया, ठीक है, उसी तरह हम 13 में क्या करेंगे, 13 × 3 + 1 कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 13 × 3 = 39 हो जाएगा, 39 से 40 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 40 आ गया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब 40 × 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 121। देखिए 40 × 3 = 120 होता है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, सब में 3 से गुणा किया और 1 अपने से जोड़ दिया, ठीक है, उसी प्रकार हम 121 में करेंगे, 121 × 3 + 1 तो क्या हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा, ठीक है, 364 हो जाएगा। देखिए 121 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 363 आ जाएगा, और एक उसमें ऐड कर देंगे तो 366 आ जाएगा, यानी कि खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, 364। देखिए हमने क्या किया, एक देखिए पहले दिया एक, एक में हमने 3 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो हमारी संख्या 4 प्राप्त हो गया, ठीक है, उसी प्रकार हमने 4 में 3 से गुणा किया और +1 कर दिया, यानी कि 1 जोड़ दिया तो 13 हो गया, ठीक है, और क्या किया, 13 में 3 से गुणा किया और +1 किया तो हमारा 40 हो गया, यानी कि तीसरी संख्या प्राप्त हो गई। उसी प्रकार क्या किया, 40 में 3 से गुणा किया और +1 किया तो कितना आ जाएगा, 121 आ गया, ठीक है, उसी प्रकार हमने क्या किया, 121 में 3 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, ठीक है, तो हमारी कितनी संख्या प्राप्त हो गई, 364, यानी कि देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा और खाली स्थान के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 364। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये पांचों प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके थे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।